मैं बताया कि मैं पते पर रहती हूँ, सोएनसो के पास प्राइवेट नौकरी करती हूँ। मेरे परिवार पति सचिन, सास सोएनसो है। मेरे पति रेत सप्लायर का काम करते हैं। मेरे पति के साथ ही स्वरूप सिंह राजपूत रेती का काम, सप्लायर का काम इंदौर में करते हैं। दिसंबर 2017 में मेरे पति स्वरूप राजपूत से बात की कि मैंने राला मंडल के पास सोएनसो सिटी में प्लाट देखा है, मुझे होम लोन की जरूरत है। तो स्वरूप बोला कि रुको, मैं शासकीय बैंक से तुम्हारा लोन करवा दूंगा। कुछ दिन बाद स्वरूप ने मेरे पति को राहुल जैन, प्रेजेंट एप्लीकेंट एवं आयुष जोशी नाम के व्यक्ति से 56 मकान के पीछे मिलाया। बताया कि दोनों व्यक्ति आंध्रा बैंक से है, सीए है, लोन काउंसलर है, बैंक में फाइलों की जांच कर लोन यही करवाते हैं। राहुल ने मेरे पति से पूछा कि आपको कितना लोन चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे 17-18 लाख के लोन की जरूरत है। तो राहुल ने बोला कि मैं आपको 22 लाख का लोन करवा दूंगा, उसमें आप मुझे 2 लाख रुपए कमीशन दे देना, तो जो मैनेजर हो एवं मेरा रहेगा। राहुल ने पूछा कि आप पास जो दोना पत्तल की मशीन है उसका गुमास्ता बनवा लो, मैं आपका होम लोन करवा दूंगा। राहुल ने 2-3 दिन में पेपर तैयार कर लो, आपका रिटर्न कर लो, रिटर्न आपका है नहीं, मैं सीए हूँ, मैं रिटर्न बनवा दूंगा, बाकी पेपर तैयार रखो। फिर स्वरूप सिंह राजपूत ने हम दोनों पत्तल की दुकान के नाम से काशीनाथ इंटरप्राइजेस के नाम से गुमास्ता हम राहुल जैन ने रिटर्न के करवाए। जब पेपर तैयार हो गए तो मेरे पति और राहुल जैन स्वरूप सिंह राजपूत के साथ आंध्रा बैंक छावनी गए। यहाँ लोगों ने पति को बैंक मैनेजर मैनेजर राजकुमार मीणा ने बुलाया। राजकुमार मीणा ने बोला कि आपका एक अकाउंट ओपन करवा लो, फिर बात करते हैं। फिर बैंक मैनेजर ने मुझसे आवेदन लिखवाया, मुझे होम लोन की आवश्यकता थी, मेरा करंट खाता खुलवाया, कुछ कागजों पर मेरे पति के हस्ताक्षर करवाए। बोला कि ये करंट एवं सेविंग अकाउंट के पेपर है। 2-3 दिन बाद स्वरूप सिंह राजपूत मेरे घर आए, बोला कि होम लोन के लिए बैंक मैनेजर ने हाँ भर ली है, आप लोग मेरे साथ बैंक चलो। मैं और मेरे पति उसके साथ बैंक गए, जहाँ मैनेजर बोला कि करंट अकाउंट के पेपर में कुछ कमी है, आप पूरे फॉर्म वापस से साइन कर दो। तो मैंने और मेरे पति ने पूरे पेपर साइन कर दिए, दोनों के पासपोर्ट साइज की फोटो लिए तथा मेरा पति का खाता खुलवाया। मेरा सेविंग करंट खाते से कुछ खाली चेक बैंक मैनेजर ने हमसे लिए तथा चेक वाली फाइल में रख ली। फिर मैनेजर ने कहा कि हम आपको प्लाट की वैल्यूएशन का सर्च निकालना है, अपने प्लाट मालिक से बात कर लो, कल रजिस्ट्री कर लेते हैं, आपका डीडी कल तैयार कर देंगे। तो मैंने प्लाट के मालिक सोनसो से बात कर ली। 21 फरवरी 2018 को रजिस्ट्री की तारीख फिक्स थी। प्रातः 10 बजे के लगभग हम लोग 3.5 लाख रुपए की डीडी की फोटो कापी मैनेजर राजकुमार मीणा उसी दिन दोपहर 3 बजे के लगभग प्लॉट के पास रजिस्ट्री है। मेरे पति समिति कपिल किल्लारी बजरंग द्वारा स्टार कार्यालय मोती तबेले में करवा दूंगा। दूसरे दिन मेरे पति गए, जहाँ राजकुमार मीणा मेरे पति से बोला कि मैं बार बार कहाँ बैंक आकर परेशान होंगी, आप कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दें तो आवश्यकता होगी जब आप मेरे पास आना, मैं आपको पेमेंट रिलीव कर दूंगा। तो मैंने 6 कागजों पर हस्ताक्षर करके मैनेजर को दिए, उसमें कागज हमारी लोन वाली फाइल में रख लिए। बाद में प्रार्थनी को 30 लाख रुपए का लोन होने की जानकारी प्राप्त हुई। एक दिन बाद बैंक से फोन आया कि उनके द्वारा बताया गया कि आपके द्वारा सीसी लोन की किस्त जमा नहीं की जा रही है। जब हमने आंध्रा बैंक से छावनी से संपर्क किया तो तब बैंक के नए मैनेजर पहली बार जानकारी प्राप्त हुई कि मेरे नाम से 10 लाख रुपए का सीसी लोन काशीनाथ इंटरप्राइजेस के खाते सोनसो पर हुआ है। उसका भुगतान 5 लाख रुपए चेक क्रमांक सोनसो से मानव ट्रेडिंग 2.80 लाख रुपए चेक क्रमांक सोनसो से गणेश ट्रेडर्स और 1.5 लाख रुपए चेक क्रमांक सोनसो से रोजी पिको हो गया, तो जिससे इस प्रेजेंट कंप्लेनेंट का कोई लेना देना नहीं, किसी और को जो है पूरा पेमेंट हो गया। और इसी प्रकार मेरे होम लोन अकाउंट से गणेश ट्रेडर्स को दिनांक सोनसो को 7 लाख रुपए का चेक के द्वारा 50,000 रुपये दिनांक को, उसी प्रकार 1,50,000 रुपये दिनांक को चेक क्रमांक सोएनसो के माध्यम से 1 लाख रुपये, चेक क्रमांक के माध्यम से 2 लाख रुपये, इस प्रकार से कुल द्वारा दिनांक 31/3/18 को चेक क्रमांक के माध्यम से आयुष जोशी को 40,000 रुपये का भुगतान किया गया, जबकि मेरा मेरे पति का उक्त खाता धारकों से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार बैंक मैनेजर राजकुमार मीणा, राहुल जैन, आयुष जोशी और शरीफ सिंह राजपूत द्वारा फर्जी कंपनियों में रुपये अंतरित कर मेरे और मेरे पति के साथ धोखाधड़ी की। इसी सर इसमें जो है इनका रोल ये है कि आपने ही जो है इनको मिलवाया भी था, फंड मिलवाने के अलावा भी सर इनका स्पेसिफिक रोल ये है कि ही इंड्यूसेस कि है आप 22 लाख की जगह हम आपको 17 लाख की जगह 22 लाख का लोन करवा देंगे। फिर उस 22 लाख के उन्होंने 30 लाख रुपए कर लिए और ये देव डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द अमाउंट टू ईच अदर। और सर इसमें यह है कि एक 2019 का